क्वेश्चन है एक भाई का कि खुरासान से तो पहले से काले झंडे निकल चुके हैं, तो आप कहते हैं निकलेंगे तो मैं मोहम्मदी अल्लाह पब्लिक होगा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले झंडे जो है ना वो खुरासान से नहीं, काफ़ी जगह से निकल चुके हैं, शाम से भी निकल चुके हैं। खुरासान से तो वो अफ़गानिस्तान से तो सफ़ेद झंडे निकले हैं, काले कब निकले? वहाँ पे तो आईएसएस ना होने के बराबर है, क्यों? वहाँ पे तो नहीं है, खुरासान में निकले काले झंडे अफ़गानिस्तान में और इस एरिए में? किसके? आईएसएस के? नाम तब्दील किए हुए हैं लेकिन वो है तो वही। और अलकायदा का भी शायद काला सा ही एजेंडा, मेरा ख्याल अलकायदा की भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस थी इधर मेरा जिसकी ख्याल वजह से जंग भी हुई थी। तो देखें, काले झंडे ना तो ये तो काफ़ी जगह से निकल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक राज है। अब आप मुझे बताएं, काले झंडे तो इतनी जगह से निकल चुके हैं, इमाम मेहदी तो नहीं आए? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे तो फन्नहु खलीफतुल्लाहुल मादी फबायउहु वलौ हब्बन अला सल्लज फन्नहु खलीफतुल्लाहुल मादी, कि उनके हाथ पर बैत करना चाहे तुम्हें बर्फ़ कर पे घसीट के जाना पड़े, क्योंकि वो फ़ौज अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी की फ़ौज होगी। तो फिर इतने निकल चुके हैं, इमाम मेहदी तो नहीं आए? असल में इसके अंदर एक राज है। ये जितने भी ये जो है ना खारजी ग्रुप, आईसिस हो गया या TTP हो गया या इस तरह के और जो अलकायदा वगैरह जो खारजी टाइप का जिनका एजेंडा है, इन्होंने हैक करने की कोशिश की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो काले निशान और काले झंडे बताए गए उनको। और इनसे वो गलती हुई है कि जो जो जब एक्चुअल काले झंडे आएंगे ना फिर लोगों को रियलाइज़ होगा। इन्होंने किसी ने अपने काले झंडे के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत बनाई, किसी ने कलमा शहादत लिखा, किसी ने किस तरीके से उसको हाईजैक करने की कोशिश की, किसी ने किस तरीके से। लेकिन असल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम होता था या जो इमाम मादी का अलम होगा, झंडा होगा, वो काला झंडा होगा। अब ये ना हो कि मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो पता चले कि उस तरह का भी कोई निकाल ले, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे जिस चीज़ की हिफाज़त करनी हो अल्लाह ताला करता है। तो वो जो काला झंडा होगा ना, इट विल हैव नो साइन ऑन इट, इट विल बी अ ब्लैक ब्लैंक ब्लैक बैनर। वो अभी तक नहीं निकले, लेकिन हम देखेंगे इंशाल्लाह जो मशरिक से निकलने वाली पाकिस्तान की फ़ौज होंगी उसमें जो आर्मी का निशान होगा दैट वुड बी ब्लैक। और अभी भी आप ऐसे पाकिस्तान की ये बात हो रही थी तो हमारे एक आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझे भेजा कि जो पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज़ हैं उनका साइन ब्लैक है। तो आई डोंट थिंक मतलब दैट इज़ द ब्लैक साइन, बट दैट्स अ गुड स्टार्ट। फ्यूचर में जो पाकिस्तान की फोर्सेस होंगी उनका मतलब है कि कंबाइंड ऑल फोर्सेस का जो साइन होगा वो ब्लैक होगा, तो वो जो काले झंडे वो भी निकलने हैं।